ऑल राइट गाइस, तो क्या हाल चाल, बढ़िया सब। फिलहाल हम हैं बनारस जंक्शन पे और आज का जो हमारा सफ़र है होने वाला है 14224 बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस, जो कि बनारस से राजगीर तक चलती है। आज हमारी जो ट्रेन है वो रात में 8:30 पर यहाँ से निकलेगी और आज हम स्लीपर क्लास का जर्नी करने वाले हैं। और भाई, स्लीपर क्लास की बात अगर किया जाए तो मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। ये क्लिप जो है वाराणसी जंक्शन का ही है। स्लीपर क्लास से भाई आपका टिकट होने के बाद भी आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, इतना ज़्यादा भीड़ उसमें होता है। और भीड़ की बात किया जाए तो भाई गेट से लोग अंदर नहीं जा रहे थे, मतलब स्टेशन पे ही चैन पुलिंग हो गई, पता नहीं कौन था, स्टेशन पे ही चैन खींच दिया और काफ़ी लंबा टाइम तक उन लोगों को रुकना भी पड़ा। और आज का दिन तो यार पूरा मतलब वाराणसी में ही हमें वेट करते करते गुजरी है। अभी भी समय हो चुके हैं 6:31 और अभी भी हमें 2 घंटे वेट करने हैं। तो चलो फिलहाल कुछ खा लेते हैं और मैं आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ, जो बाहर में स्ट्रीट फूड वगैरह मिलते हैं वो कैसे होते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आपको एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो लिट्टी था भाई, लिट्टी था, कहने का मतलब है भाई पूरा कच्चा, और खाना तो बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा कच्चा था कि आप देख सकते हैं, सामने आपको क्लिप दिख रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल चलो अभी चलते हैं अंदर, अंदर चल के लगभग 2 घंटे में और वेट करने हैं, तो पूरे दिन तो यार समाप्त हो गई, 2 घंटे और वेट करने हैं। तो भाई साहब, फाइनली हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। IRCTC का जो फूड कोर्ट होता है वहाँ पे जाके आप जब एग्जिट डेट का यहाँ से निकलने लगते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप इधर से निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ से निकलते हैं तो आपको जो एक्सीलेटर लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में मिल जाता है। और मैं खाने की बात करूँ यार, तो खाना एवरेज था, सही था। हमने आज वहाँ पे 2 चीज़ टेस्ट किया, एक तो एक बिरयानी और एक छोला भटूरा। एक बिरयानी तो यार फिर भी मतलब हाँ बोल सकते हैं ठीक ठाक था, लेकिन छोला भटूरा था वो काफ़ी सही था। अगर रेलवे स्टेशन के खाना की मैं बात करूँ तो उसके अनुसार यार मतलब काफ़ी अच्छा रेट भी था, 50 रुपीज़ करके आपको मिल जाते हैं छोले भटूरे और 80 रुपीज़ करके आपको मिल जाते हैं एक बिरयानी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, चूँकि हमारी ट्रेन वहीं से छूटने वाली है। अभी 6:53 यानी कि 7 बज चुका है, 1.5 घंटे हमें और रुकने हैं भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो को आप मिस ना कर सके। अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा देर वेट करते हैं, इसके बाद फिर जब निकलते हैं तो आपको आगे का अपडेट देते हैं। ये भीड़ है भाई साहब, आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल राहत मिला है भाई, आपने देखा कि यहाँ पे बैठने के लिए कितना मारा मारी हुआ। फिलहाल समय हो चुका है 8:29, सिर्फ 1 मिनट रह गए हैं हमारे ट्रेन के यहाँ पर खुलने में। जिन्हें मैं आपको इंटीरियर के बारे में बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको अगर यहाँ पे दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉश बेसिन है और पानी वगैरह बिल्कुल आ रहा है, सामने आपको एक मिरर मिल जाता है। और बाथरूम कंडीशन की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाता है, इधर में आप देख सकते हैं यहाँ भी वॉश बेसिन है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको कंबोर्ड मिल जाता है, तो भाई ये थोड़ा सा ही है, बाकी आप देख सकते हो ये है कहानी। भाई अभी समय हो चुका है 8:40 और हमारी ट्रेन खुल चुकी है यहाँ से। Thank you.
देख सकते हैं सामने में जो लाइट जल रहा है। और अभी भी लोग हैं जो कि गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, यानी घाट भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। यदि गोप्तों में ये सुख नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन क्या कहते हैं, नाव ऐसे भी हैं जो अभी दिख रहे हैं। जी, अभी हम पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल जंक्शन पे और यहाँ हम लोग आज 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का होल्ड है, तो मिला के 20 मिनट हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं। देखते हैं 20 मिनट में हम लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं। बाकी का पानी वानी जो भी लेना हो यहाँ फिल्टर के ले लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद या जहाँ पे भी लगभग हम लोगों को रुकना है, लगभग 2 मिनट करके रुकना है, तो अच्छा खासा ब्रेक मिला है तो पानी वानी भर लिया जाए। और सामने स्टेशन पे आपको खाने वाने का सामान भी मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि जो मतलब लोकल लोग जो घूम के बेचते हैं, चना बदाम वगैरह बेचते हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप लेके खा सकते हैं। फिलहाल आपको सामने में दिख रही रहा होगा समोसा वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। तो चलो फिलहाल देर लगभग 10 मिनट ऐसे और 10 मिनट बिफोर, 20 मिनट अगर रुकना है तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। और अभी सीजन है लीची का, तो आप देख रहे होंगे कि लीची यार कितना ज़्यादा बिक रहा है हर जगह, मतलब जहाँ पे भी जाओ लीची आपको मिल ही जाएगा। और लीची मिला तो यार मतलब बिल्कुल सही रेट पे है और काफ़ी बड़ा बड़ा है। हमारे झारखंड से अगर हम बात करते हैं तो उधर से लीची इधर का ज़्यादा बड़ा बड़ा है, उधर का लीची थोड़ा छोटा छोटा होता है। चलिए फिलहाल आप यहाँ पर उतरते हैं जो दूसरे से लेते हैं, इसके बाद और फाइनली समय हो चुका है 11:24 और हम लोग पहुँच चुके हैं सासाराम। और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है बस यहीं होने वाला है। हालांकि मैंने टिकट किया था राजगीर तक का, लेकिन राजगीर नहीं जा पा रहा हूँ। रीज़न है कि सडनली अपना प्लान हो गया रांची जाने का, तो आज ही यहाँ से मतलब सुबह 3 बजे ट्रेन है, सॉरी 3:40 में ट्रेन है जो कि रांची सहरसा से पहुँचाती है। तो चलो यहाँ से डायरेक्ट हम सब बोर्ड कर लेते हैं। तो आज का जो ब्लॉग था इस ब्लॉग आपको हम यही दिखाने वाले थे। हमें उम्मीद है कि यार वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और हाँ, आप अगर सासाराम से हैं तो आप कमेंट करो भाई, क्योंकि मैं बहुत जल्द सासाराम भी आने वाला हूँ सासाराम को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ सासाराम में हैं और वो काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। मैंने यार मतलब जैसे तुतला भवानी हो गया, मांजर कुंड हो गया, ये सारी चीज़ें मैं मतलब बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि इसे एक्सप्लोर करूँ। मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, सर्च कर सकते हैं ब्लॉगिंग अंडरस्कोर वर्ल्ड, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।